नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचे विजयनगर, एसपी ट्रैफिक बसंत लाल मौके पर मौजूद। जाम की लगातार शिकायत पर विजयनगर चौराहे का जायजा लिया गया। विजयनगर चौराहे पर लगी सिग्नल लाइट, कैमरे, लाउड स्पीकर के बारे में भी पता किया कि वे सही है, चलने की स्थिति में है या नहीं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को भी लाइट समेत संबंधित समस्या को देखने को कहा। विजयनगर चौराहे पर ऑटो टेम्पो के द्वारा आए दिन लगे जाम से निजात पाने के लिए सीओ नजीराबाद को जिम्मेदारी दी गई है और विजयनगर टेम्पो स्टैंड पर लम्बू उर्फ कालिया नामक व्यक्ति की लगातार वसूली के कारनामे को भी संज्ञान में लेते हुए विजयनगर चौराहे के ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कालिया का ऑटो व टेम्पो की वसूली में सहयोग करती है, जिससे विजयनगर में जाम जैसी स्थिति में खड़ी हो जाती है और जाम जनता की समस्या बन जाती है। वही शताब्दी ट्रेवल की बस ओवरलोड जाते दिखी। जाम से निजात दिलाने के लिए आईजी साहब ने क्षेत्र की जनता के सहयोग की जिम्मेदारी दी है, जिससे लोग को जाम से निजात मिल सके। अभी बताइए क्या समस्या रहती है? जनरल अभी हम लोगों ने सर बगल में रखा है, कॉल में 2 मिनट आपके साथ वहाँ पे सब लोग बैठ के वार्ता भी कर लेंगे। बगल में पहले मैं आपको सर भौगोलिक स्थिति कौन सा होना पड़ता है नगर निगम से साहब आए हैं? कोई मदद की जरूरत हो तो लाइन में दिखाने में पुरानी हो गई सर। अच्छा हुआ, क्या खामियां पा गई, किस तरह के नुकसान हुआ? कि आज विजयनगर चौराया जो शहर का एक प्रमुख चौराया है, इसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर एक यातायात सलाहकार कमेटी बनाई गई है। इस चौराहे के आसपास जो प्रतिष्ठान हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकानें हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनको मिला करके एक कमेटी बनी है और ये कमेटी हर हफ्ते में इसकी एक मीटिंग हुआ करेगी और इस चौराहे के जो नोडल अफसर हैं वो सीओ नजीराबाद, इनको बनाया गया है। चौराहे पर जो भी खामियाँ पाई जाएंगी, यातायात सलाहकार कमेटी के सदस्य उसको सीओ नजीराबाद को बताएंगे और उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। इस चौराहे को एक आदर्श चौराहे के रूप में हम लोग विकसित करेंगे और प्रयास करेंगे किसी भी तरह का जाम इस चौराहे पर ना लगे। चौराहे से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, कोई ठेले ना खड़े हो वहाँ पर, कोई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा 100 मीटर की परिधि में ना खड़े हो, ये पूरा हम लोगों का प्रयास है। सर रात होते या जो अराजक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, ऐसा कुछ सुनने को मिला क्या इसके लिए, इसके बारे में कोई पुलिस गश्त करेगी? देखिए, अगर शाम के टाइम में या अंधेरा होने पर कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो इसके लिए गोपनीय टीमें लगाई जाएंगी। ये हमारी एंटी रोमियो टीम्स हैं वो भी यहाँ पर लगेंगी और छापेमारी करके ऐसे लोगों को तीव्रता कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।